जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके ग्रुप फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले शुएब ने आपको छोटा सा टीज़र दिया था कि जब वापस आएंगे तो स्किन केयर के बारे में बात करेंगे। जब मौसम चेंज हुआ तो हमने बात की थी कि जो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, एक्नी हो जाती है, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। लेकिन इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट आपके साथ एक टॉपिक है वो शेयर करना चाह रहे हैं कि स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम उम्र में ही छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कि अपनी मॉडलिंग लाइफ को, एक्टिंग लाइफ को तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन जो घर में मौजूद होती हैं वो भी अपने फेस को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ी सी टची होती हैं कि नहीं, कोई निशान नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि लिप फिलर्स जो हैं, फेस फिलर्स जो हैं, ये बोटॉक्स जो हैं, इसका बहुत ज़्यादा रिवाज जो है वो आ चुका है। अब ये सारे काम होते कैसे हैं और किस हद तक स्किन के लिए ज़रूरी हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर आमना उस्मान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग ऑल गुड, बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, यूँ तो बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि मैंने भी अभी आपके साथ शेयर भी किया, ज़रा स्टार्ट करते हैं झुर्रियों से और शाइयों से, जो कि बहुत कम उम्र में भी आना शुरू हो जाती हैं और नॉर्मली भी जब आप 40 क्रॉस कर रहे होते हैं तब भी आपके फेस पर आना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों के मसले क्रीम से हल नहीं होते, बिल्कुल क्या ऐसा ही है। उनके लिए टेक्निक है फिर? एक्चुअली सबसे पहले तो झुर्रियों को ले लेते हैं। झुर्रियां इसलिए क्रीम से हल नहीं होती बिकॉज झुर्रियां इज मैकेनिकल फैक्टर। स्किन तो जो आपकी लटक रही है विद एज, कोलेजन डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन जो आपके मसल मूवमेंट्स है ना, फोरहेड के, यहाँ के आंखों के गिर जो मसल्स हैं, उनको जब आप फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं तो चिंटे आ जाती हैं स्किन के अंदर। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली ओनली बिकॉज ऑफ जो आपका स्किन के ऊपर कोलेजन डेफिशिएंसी हो रही है, एजिंग साइंस आ रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ओवर एक्टिविटी या मसल्स की, उसकी वजह से आ रहे होते हैं। तो इनको फिक्स करना इज़ वेरी ईजी आजकल। और आपने एक सवाल किया कि गॉड नोज इसको करना भी चाहिए कि नहीं। वेल आई ट्रूली एडमायर के ज़रूर करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आजकल खवातीन, एक ट्रेंड था जब बड़े एक्सपेंसिव क्लोदिंग लेते थे और जूते और बैग एंड एक्सेसरीज, और तो अपने आप को एक्सेसराइज कर ले बड़े ब्यूटीफुली। बट नाउ इफ़ यू लुक एट द फेस और वो आपको लगता है कि रिंकल्ड है, तो लगता है कि कुछ डेफिशिएंसी है। तो जैसे आप स्पेंड करते हैं अपने क्लोदिंग के ऊपर और वो अच्छा दिखने के लिए आप कर रहे होते हैं, तो अच्छा दिखने में सबसे अहम तो आप खुद हैं। जो आप एक्सेसराइज कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो मेरे पास कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम तो ये इंजेक्शन इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप महंगे क्लोथ्स पहने हुए हैं आपने, तो मेरा ख्याल है अगर आप 6 जोड़े खरीदते हैं तो 5 खरीदें और 1 जोड़े के पैसे अपने चेहरे पे लगाएं टू मेक यू लुक बेटर। एक जोड़ा यहाँ लगवाएं, तो डेफिनेटली करना चाहिए। और क्यों नहीं, अल्लाह ने आपको खूबसूरत पैदा किया, आपका खूबसूरत रहना आपके लिए, आपके खानदान के लिए बड़ा जरूरी है। और आपको वो इतना कॉन्फिडेंस दे देती है आपकी अच्छी स्किन या आपके अच्छे पेरेंट्स की, मेरे ख्याल से फिर आपको इतनी ज्यादा एक्सेसरीज की जरूरत नहीं रहती। डेफिनेटली जब आप अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंट होते हैं तो आई थिंक एक्सेसरीज डोंट नीड टू ब्यूटीफाई यू फर्दर। और अदरवाइज अगर आप यू नो यू 30 एंड देन यू 40 और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि यार यू आर कीपिंग यंग, तो वाई नॉट, इट्स वेरी डिलाइटफुल। और लेट्स टॉक अबाउट बोटॉक्स, तो बोटॉक्स है ही, टोटल 3-4 मिनट का तो ट्रीटमेंट है। अच्छा। मतलब बहुत सारे लोग बड़ा बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चन करते हैं। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ ये लिप फिलर्स में और बोटॉक्स में, ये इनका थोड़ा सा कंपैरिजन तो ड्रॉ कीजिएगा यहाँ। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन सिर्फ आपकी नहीं है, वी हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो स्टिल कंफ्यूज हैं और वो आके हमें कहते हैं कि हम फोरहेड में फिलर कराना चाहते हैं या लिप में हम बोटॉक्स कराना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इट्स इट बी एन अवेयरनेस। एक्चुअली बोटॉक्स इज स्पेसिफिकली फॉर रिंकल रिडक्शन, यानी रिंकल्स किसको कहते हैं, झुर्रियों को। आपने माथा चढ़ाया, झुर्रियां पड़ गई, लाइंस पड़ती है आपके आंखों के, क्रोस फीट आ जाते हैं और 11 लाइंस कहते हैं इनको। और आजकल तो बोटॉक्स फेस लिफ्टिंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, यानी जिनके चीक्स ड्रॉप कर गए हैं वो थोड़ा सा लिफ्ट हो जाते हैं, बल्कि डबल चिन रिडक्शन के लिए हम बोटॉक्स कर रहे हैं एंड इट्स गिविंग अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इट हार्डली टेक 3 मिनट, एक इंजेक्शन है, 3 मिनट के अंदर हमने लगाया। इसको कहते हैं टी टाइम ट्रीटमेंट और द लंच टाइम ट्रीटमेंट, कि आप अपना ऑफिस से ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की टी टाइम में और आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और 5 दिन के अंदर यू सी एक्सेलेंट रिजल्ट्स। ये सिर्फ एक इंजेक्शन से ही आपके मसले हैं? यस, एक ही इंजेक्शन होता है जो मल्टीपल स्पॉट्स पे लगता है और लगाने में भी 3 मिनट लगते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये कैंसरस तो नहीं है, और लोगों के एक और दो सवाल होते हैं कि काफी मिथ्स अटैच्ड हैं इसके साथ। एग्जैक्टली, तो आपके शोज के प्लेटफॉर्म से हम इसको यू नो कि दिस इज सेफ, लेकिन ये तब तक सेफ है जब आप एक मुस्तनद शख्सियत के पास गए। डेफिनेटली,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के अ लॉट ऑफ टाइम्स वी सी क्लाइंट्स, मतलब नॉट दैट के इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, लेकिन वी सी क्लाइंट्स जो चीख गिरा हुआ, और फिर लोग इससे डर जाते हैं. लोग कहते हैं कि एक हमने देखा था खातून और उनकी आईब्रो गिरी हुई थी, आई गिरा हुआ था, या चीख गिर गया था, या स्माइल करने में डिफिकल्टी थी. आई मीन डेफिनेटली यू हैव टू ऑप्ट फॉर द राइट डॉक्टर फॉर द बोटॉक्स. बोटॉक्स बहुत सिंपल ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स क्वाइट टेक्निकल. और आई थिंक सेफ हैंड्स में ही, जैसे सर्जरी आप करवाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है जिसे हम फलानी सर्जरी कराएं. इसी तरह बोटॉक्स और फिलर्स, ये इट्स तो हम वैसे भी किसी के हवाले यूं नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. और फिर आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कराने जा रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर और खूबसूरत होने जा रहे हैं, तो फिर तो आपको डेफिनेटली लुकआउट करना चाहिए कि हु इज एक्सपर्ट इन योर टाउन. और यानी अगर आप एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं तो उनके पास जो आपका जो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होगा. तो ये है. और बोटॉक्स के बारे में जो बाकी मिथ्स अटैच्ड हैं, कि एक तो ये कि जब वीन ऑफ होता है तो लोग कहते हैं कि हम पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं. बिकॉज बोटॉक्स जो है वो आपके मसल मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वो आपके एज को स्टॉप करता है. दिस इज बेसिकली एज स्टॉपिंग ट्रीटमेंट. उससे पहले हमने बात की थी जो ट्रीटमेंट्स की, पोस्ट केयर क्या है और कितने रिपीटेडली कराने पड़ते हैं. फॉर श्योर द आंसर इज के डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इशू, बट हम जरूर उनसे पूछते हैं, चूंकि हमने बात रिंकल्स की ज्यादा की है अब तक. तो डॉक्टर साहब, रिंकल्स या क्रोस फीट या फॉर दैट मैटर कोई भी एक आदि कोई लाइन कहीं पड़ गई है, और उसके लिए आपने जिस तरह कहा कि फिलर्स हैं या जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके, इसमें एक तो पोस्ट केयर क्या होती है, कितने दफा कराना पड़ता है, क्या जिंदगी भर के लिए कराना पड़ता है? एक्चुअली यस, अगर आपने ये, मैं ऐसे कहती हूँ, आप एक पौधा लगा दें, उसको रोजाना पानी डालें, और फिर एक साल के बाद सोचें कि बहुत हो गया, नाउ लिव ऑन देयर ओन, तो वो पौधा तीन चार दिन के अंदर खत्म हो जाएगा. ठीक है, जिसके ऊपर आपने एक साल मेहनत की होगी. तो इट्स नॉट अ वेरी हार्ड वर्क. आपने साल में एक दफा जाके इंजेक्शन लगवाना है. एक्चुअली इंजेक्शन की हम बात कर रहे थे, देर आर मल्टीपल क्वालिटीज ऑफ इंजेक्शन अवेलेबल इन द मार्केट. वो कोई बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कोई थोड़े लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो थोड़ा अच्छा टाइम निकाल जाते हैं. और जो हमने अपने क्लाइंट्स की देखी है, सेंसिटिविटी जरा कम होती है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस पीपल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बहुत कम है. तो उसमें यह कि ऑन एवरेज 6 to 8 months आप आराम से कंफर्टेबली अच्छे अ गुड इंजेक्शन चॉइस के साथ निकाल सकते हैं, अ गुड इंजेक्टर के साथ आप निकाल सकते हैं. और साल में अगर एक दफा आपको कोई 20-30 हजार रुपए खर्च करने पड़े जस्ट टू लुक गुड, आई थिंक इट्स अ वर्थ इट जॉब, और वो कराना चाहिए. आपने महीने के 1000-1200 रुपए लगाना है, आपने बचाना है. और फिर उसके बाद ये कि जो आपने कहा कि मैनेजमेंट, मेरा ख्याल है कि बोटॉक्स के बाद कोई खास बहुत पोस्ट ऑप केयर जरूरत नहीं होती है आपको, लेकिन ये कि फिर भी जो आजकल वैम्पायर फेशियल्स आए हुए हैं, और जो फॉर ऑल दोज कॉन्शियस जो अफोर्ड करते हैं वो करवा सकते हैं. उसके साथ ये कि नॉट ओनली बोटॉक्स का स्टे लॉन्ग हो जाता है, बट यस आपकी स्किन की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है. तो वो इसको कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा. सो यू कैन कम्बाइन सर्टन ट्रीटमेंट्स एंड डिपेंडिंग ऑन योर बजट यू कैन चूज फॉर ओनली वन. और मतलब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो हमें बजट बताते हैं कि इसके अंदर हमने एंटी एजिंग करनी है, एंड व्हेन वी प्लान फॉर देम. बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है कि जब हमने क्लिनिक खोला था तो एस्थेटिक्स वर ओनली फॉर प्रिविलेज्ड पीपल. प्रिविलेज का मतलब है कि जो अफोर्ड कर रहे थे, जिनके पास पैसे जरा ज्यादा थे. तो हमने जब क्लिनिक खोला था, हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ खोला था, टू मेक एस्थेटिक्स अवेलेबल फॉर ऑल. वंडरफुल. और ये हमारा अपना एक आइडिया था, नॉवल आइडिया था. दुनिया में एस्थेटिक्स फॉर ऑल नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑप्टेड फॉर ओपनिंग अप माई क्लिनिक इन वाकेंट. आई स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज डिजाइनिंग देयर. मुझे सबने कहा कि नहीं यार, इस्लामाबाद में देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाइंटेल एंड ऑल. तो एंड इट क्लिक सो वेल अल्हम्दुलिल्लाह. हमने प्राइसेस को कम किया और हमने अपने क्वालिटी सर्विसेज को इम्प्रूव किया. जबरदस्त. और अल्हम्दुलिल्लाह ट्विन सिटीज में वी आर द बिगेस्ट रनर्स. इसका मतलब वाकेंट वालों को किसी ट्रीटमेंट के लिए इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली. उनको डॉक्टर ने कहा कि मरीज को इस्लामाबाद ले जाओ. और अगर जस्ट इन केस यू नीड टू विजिट इस्लामाबाद, तो हमारी ब्रांचेस ऑल ओवर पिंडी में भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत सून विद इन 2-3 months इस्लामाबाद में भी ओपन कर रहे हैं. बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं इसी बात को आगे टेकअप करूंगी कि ये जब हमने आइडिया लॉन्च किया था एस्थेटिक्स फॉर ऑल, तो हमने कुछ फ्री कैंप्स ऑफर किए थे इनिशियली अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को पता लगे कि वो जो ट्रीटमेंट जिनको सुन सुन के वो डर रहे थे, और जो लाखों में ट्रीटमेंट्स थे वो अब हज़ारों में और कई कम हज़ारों में आ गए हैं. और इसीलिए आज भी हमने जब ब्रांचेज ओपन की, तो बहुत सारा क्लाइंट था जो हमें मैसेज करता था कि यार हम फीस नहीं अफोर्ड करते, या हम मशवरा लेना चाहते हैं, या हम अवेयर चाहते हैं कुछ पूछना. तो आज हमने एक फ्री कैंप भी लॉन्च किया हुआ है. हमारा गोलरा मोड़ ब्रांच के ऊपर है. मेरा अगर आप नाम सर्च करें डॉक्टर आमना उस्मान, तो आपको हमारा ऑफिशियल पेज मिल जाएगा. उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं. गोलरा मोड़ ब्रांच के ऊपर आज हमारा फ्री कैंप है. उसकी मेरा ख्याल रजिस्ट्रेशन तो पहले से हो गई होगी. एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी बुक्ड सम 400-500 क्लाइंट्स देयर. तो बट स्टिल वी विल मैनेज इंशाल्लाह. और
इसके बाद भी 3-4-5-6 महीने अगर आपने टाइमिंग्स बताई हैं तो 11 to 6 PM मतलब आपके राइट आफ्टर योर शो आई विल बी देयर इंशाल्लाह। मुझे आप पहले बताते हैं वरना मैं नहीं 6 बजे तक है लाहौर निकलना है तो नहीं 11 से 6 बस आपके शो के बाद मैंने वहीं जाना है। और अगर कोई भी आना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है यू मोर देन वेलकम। और फिर हमारी बाकी ब्रांचेस ऑल ओवर। सबसे अच्छा काम ही आप ये वाला कर रही है ना, ये कार्य खैर में हिस्सा डाल रही है। अब मुझे दो बातें जाननी है, एक तो मुझे आपसे पूछना था ये जो मॉर्निंग शोज में एक ट्रेंड देखा हमने पिछले कई सालों में ठका ठक इंजेक्शन चिट्टा करने के, गोरा करने के, व्हाइटनिंग इंजेक्शन, एक तो आपकी उस पर टेक क्या है और दूसरा ये कहते हैं धागे डाले जाते हैं, थ्रेड्स डाले जाते हैं, ये क्या चक्कर है स्किन में थ्रेड्स? बिल्कुल। अच्छा सबसे पहले व्हाइटनिंग इंजेक्शन पे जरूर कमेंट करूंगी। वो इसलिए कमेंट करूंगी कि देखें जहाँ पे आप अवेयर कर रहे हैं ना कि लगवाएं वहाँ पे आपको उसका अदर साइड ऑफ पिक्चर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन पाकिस्तान में कोई रजिस्टर्ड इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई नन। आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री। आई थिंक निदा यासर साहबों के बात नहीं पता। आई मीन आई एम नॉट श्योर। पाकिस्तान में मैं आई एम इन द इंडस्ट्री फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स ऑलमोस्ट, आई हैवंट सीन एनी इंजेक्शन दैट इज़ रजिस्टर्ड। ठीक है, दूसरी बात यह कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, कोई गोल्ड का कड़ा बेचा और कोई अंगूठियाँ बेची और इंजेक्शन लगवाए। बिलीव यू मी, जितना आप सोच रहे होते हैं वाइटनिंग इंजेक्शन उतना रिजल्ट नहीं देते हैं। देर लॉट ऑफ अदर ट्रीटमेंट दैट कैन ब्रिंग द क्वालिटी टू योर स्किन, बट इंजेक्टिंग समथिंग that is going into your blood, you don't know what it is. Yes. So, that's a question. और लोग जो है ना उस बिहेवियर को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर की ड्यूटी ये है, जो भी मसले होते थे तो लोग मतलब लड़कियों ने एक फैंटेसी बनाना शुरू कर दी थी कि मेरी शादी ऐसी होगी, मेरी शादी वैसी होगी और पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारा फर्ज है कि हम आगाही दें दैट कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन चाहे किसी भी शो में, मैंने नाम एक जरूर लिया है लेकिन विद नो ऑफेंस, जितने मॉर्निंग शोज हैं जहां जहां पर ये लगाए गए हैं प्लीज, या सेगमेंट मैं कहूंगा आप लोग भी देखिए। और ये मतलब उसमें देयर आर सर्टेन, जैसे कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो हम बेसिकली विटिलाइगो को ट्रीट करते हैं कि वो उनका फुल बॉडी कॉम्प्लेक्शन एक हो जाए, तो उस तरह के इंजेक्शन हैं वो टोटल बॉडी डीपिगमेंट इंजेक्शन होते हैं, दे वर्क। इसके अलावा ये कि जहाँ पे ग्लो की बात है, ग्लूटाथियोन यस इट डज गिव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो, बट वाइटनिंग स्पेसिफिक टर्म इज हार्ड टू गेट विद ग्लूटाथियोन। इंपॉर्टेंट बात यह कि ग्लूटाथियोन कुछ को रिजल्ट देता है और कुछ को नहीं देता है। ठीक है, सो इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट मच यू शुड कीप इन माइंड कि आप उन 50% में भी हो सकते हैं जिनको रिजल्ट नहीं आ रहा है और उन 50% में भी हो सकते हैं जिनको रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फॉर आई मीन गोइंग फॉर सम अनरजिस्टर्ड थिंग दैट डजंट गिव यू एनी क्लू ऑफ इट्स सेफ्टी, तो आई थिंक देर आर मल्टीपल अदर ट्रीटमेंट दैट गिव्स अल्टरनेटिव्स मौजूद है। थ्रेड्स इज ब्यूटिफुल। ठीक है, थ्रेड्स वही हैं जब आप ऑपरेशन कराते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर कोई थ्रेड लग जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है विद टाइम। अगर किसी ने ऑपरेशन करा उनको पता होगा, डॉक्टर कहते हैं उसको खुलवाने आने की जरूरत नहीं है, तो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो फिर वक्त ने पता लगाया कि वो जब एब्जॉर्ब होते हैं वो कोलेजन रिडक्शन करते हैं एंड इट मेक्स योर स्किन मोर ब्यूटीफुल। तो थ्रेड्स आर ब्यूटीफुल और पाकिस्तान में आ रहे हैं और बहुत अच्छे थ्रेड्स अवेलेबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम ऑल प्राइस रेंजेस, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, कुछ 6-7 महीने चल जाते हैं, कुछ 2-3 साल भी चल जाते हैं। और क्विक लिफ्ट मतलब थ्रेड्स कहाँ पे बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, 30-40 की जो एज ब्रैकेट है ना उसके अंदर आपका फेस फॉल करना शुरू हो जाता है। सबसे बस फिर अभी छोड़ देना ये सोचना। यह सबसे पहली इंडिकेशन होती है जाउल्स, यानी ये जो फोल्ड आपको बनता है ना जाउल्स, ये सबसे पहली इंडिकेशन है। और इसके लिए थ्रेड्स एक्सेलेंटली वर्क करते हैं, इमीडिएट रिजल्ट आ जाता है। कोई खास आई मीन ऑब्वियसली आपको यू हैव टू बी इन एक्सपर्ट हैंड, थ्रेड इज अ बिट गूगल करूंगी ये टेक्निक है कि आप समझा रहे हैं लेकिन फिर भी जरा देखूंगी। हाँ मतलब थ्रेड्स आर ब्यूटीफुल, इमीडिएट लिफ्टिंग फॉर आईब्रो लिफ्ट, फॉक्स आई लिफ्ट आजकल है, नोज लिफ्ट, जॉ लिफ्ट, आपका मेरिनेट लाइंस हैं लिफ्ट हो जाते हैं, आपका नेजल लेबल फोल्ड, बल्कि पहले एक ट्रेंड था कि लोग फोल्ड के लिए फिलर्स ही को प्रेफर करते थे। बट यानी ऑल ट्रीटमेंट हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द अदर, और मुझे लगता है कि द ट्रीटमेंट शुड बी टेपर्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू, नॉट एवरीथिंग ऑन ऑल। ठीक है, तो मतलब आप बैठे हैं, पेशेंट आता है, वो कहता है मैंने थ्रेड्स ही डलवाने, बट सम टाइम वी फील कि नहीं यार आपको थ्रेड से अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, आपको फिलर लेना चाहिए। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु नीड सम कंसल्टेशन एंड यू नीड टू नो कि उनको बोटॉक्स चाहिए, फिलर्स चाहिए या थ्रेड्स चाहिए, तो आज हमारा फ्री कैंप चल रहा है हमारी गोलरा मोड़ ब्रांच पे, यू कैन जस्ट सर्च डॉक्टर आमना उस्मान। बल्कि मैं कहता हूँ इसको फॉलो किए जाए ताकि अगर आज के सेशन में ना जा पाए तो किसी और सेशन में आप जरूर रजिस्ट्रेशन करा के जाइएगा। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ऑफरिंग अनदर फ्री कैंप, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, इट वाज लवली हैविंग यू।